लोग बोलते हैं सक्सेस का रेशियो, लोग बोलते हैं सक्सेस का रेशियो ऐसा है, झूठ है। सक्सेस का रेशियो ऐसा नहीं है। सक्सेस कैसा पता? सक्सेस का रेशियो ऐसा है, ये ऐसा नहीं होता। सक्सेस का रेशियो ऐसा 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 ऐसा। सीएनजी आपने वो मशीन देखा, डॉक्टर लोगों क्या बोलते सीएनजी ईसीजी मशीन, चिक चक चिक चक चिक चक चिक चक चिक चक चिक चक। एक्चुअली ये सक्सेस का रेशियो है। और अदर कम वहां पे कैसे बनाया जाता है? आज स्टार्ट हो, 3 महीने में तेरे को मिलेंगे 20 करोड़ रुपए। मिलता है क्या? लोग ना चुकी चीज एजुकेशन देते अपने डाउनलाइन को। आप ना लोगों को दिल से दिल का रिलेशन रखें, आप ना लोगों को सिखाने की कोशिश करें। ये तल तल दो आप लोगों को, मैं बोल रहा हूं ना, ये पैसा पूछा छोड़ो, लोग जिंदगी भर आपके साथ टिके रहेंगे, जिंदगी भर टिके रहेंगे। मिलता है उसको बोलना इंडिया का इकोनॉमिकली सैलरी 10 से 12 हजार रुपए है। अगर तेरे पास 15 हजार मिलता भी है तो अगले 5 सालों में कितना मिलेगा? तुम ये मत बोलो कि तुम अपना जॉब छोड़ो, बट यहाँ पे तो काम करता है। यहाँ पे क्या क्या है? एम्पावर कंपनी पिछले 3 सालों से, एम्पावर कंपनी का स्टेटस चेक कर लो, एम्पावर कंपनी के प्रोडक्ट देख लो, एम्पावर का एजुकेशन सिस्टम देख लो। हर एक कंपनी का एक फ्लैग प्रोडक्ट होता है, और एम्पावर में एक प्रोडक्ट अपना फ्लैग है। पर मैं आपको ये वचन देता हूं, मैं आपको ये वचन देता हूं सबके सामने, कैमरा भी है, रिकॉर्डिंग भी चालू है, मैं ना अपने काम के लिए अपना खून भी दूंगा। जितना पढ़ना होगा मैं पढ़ूंगा, जितना पढ़ना होगा मैं पढ़ूंगा, जितना ट्रेनिंग के लिए जो जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, उतनी मेहनत मैं करूंगा। और आपके लोगों का इतना भयानक ट्रेनिंग दूंगा, आपके लोगों को इतना एजुकेटेड करूंगा कि अगर उसने 100 ट्रेनर का भी ट्रेनिंग लिया होगा तो वो बोले मेरा मान नहीं कर रहा हूं, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। मैंने आज तक इतनी क्लासेस दी, इतने किसी ने ऐसा नहीं बोला कि सर मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा, किसी ने नहीं बोला। पर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे ट्रेनिंग के लिए मैं मिस से बढ़िया कैसे बनूं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में मेरा नाम कैसे हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना, भूखा रहना पड़ेगा रहूंगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी पढ़ूंगा, और जो करना पड़ेगा यू विल बिलीव। आप एक दिन देख लेना, कमल विल बी द टॉक, कमल विल बी द टॉक। भगवान बोले कि कमल तेरे को आज की रात जिंदा रहना, तेरे को सिर्फ आज की रात, तेरे को करना क्या है? मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलना है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा मुझे मेरी मिसेज से मिलना, मैं बोलूंगा ये 24 घंटे ना सारे मेरे सामने बिठा सारी लोग, मैं मेरे को 24 घंटे बड़बड़ करने दे। मैंने आज तक इतना देखा, जो लोग अपने काम में डूब गए वो लोग बड़े बन गए। आप चेक करो अपने आस पड़ोस के लोग, आप चेक करो दुनिया के टॉप लोग, अरे उन्होंने देखा नहीं, बिल गेट्स शुरुआत के टाइम पे ऐसे यहां पे सो जाता था पंच में ऐसा, और अपने सिक्योरिटी को बोलता था कोई आए तो खोलने का नहीं दरवाजा। एक दिन कोई तो आदमी आया, कोई आदमी आने के बाद खोला दरवाजा और बिल गेट्स सोया पड़ा, और वो आदमी बोलता अरे तुम्हारा मालिक नीचे सोया पड़ा है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है मुझे सब बोला गया है कि इसका दरवाजा नहीं खोला, तुम अंदर चले गए अपने साहब। रात के 18-20 घंटे काम करते हैं। आपको पता परसों बिल गेट्स का पार्टनर पॉल एलन पॉल की डेथ हुई, किसी को पता है? Yes. नहीं, पर बहुत कम लोगों को पता है। पर अगर खुदा ना खासा बिल गेट्स की उंगली भी कट गई ना, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। Yes. इतना फर्क होता है। अमृतसर में अभी रावण जलाया गया, कितने लोग मर गए पता आपको? वो बोलने के लिए 55 लोग हैं, अपने यहाँ पे बोर्ड गिरा एक ये जूना बाजार में, कितने लोग मर गए? भिंडी, ये भिंडी कांदा भिंडी की तरह हो चुके हम लोग, मरते हैं किसी को कुछ फर्क नहीं है। पर आज अमिताभ बच्चन को चोट लगे, बिल गेट्स को चोट लगे तो पूरे पेपर पूरी दुनिया सुन हो जाती है। अपने काम में ऐसा बनो, ऐसा बनो कि साला कभी आपको पैर में चोट भी आए ना तो एम्पावर कंपनी उस दिन बोली जाए छुट्टी सलवार।
मर जो, दे दो अपने हाथ पैर अपने हाथ सब कुछ दे दो। इंदिरा नूवी 1 करोड़ बोलते 100 करोड़ 110 करोड़ का सैलरी था, 6-7 बहनें थी, घर का सब काम करती थी और सब काम करने के बाद गरीब घर से थी और आज टॉप ऑफ द बेंच है। उसने बोला है मैं किसी कंपनी का ये नाखून नहीं हूं, मैं किसी कंपनी का बाल नहीं हूं, मैं उस कंपनी का हार्ट हूं, उस कंपनी का दिल हूं, राइट हैंड हूं, इसलिए लोग बड़े बनते हैं।